हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. दिस इज़ विभा क्लास. टुडे आई एम हेयर विद द चैप्टर 6 ऑफ क्लास 5th. द बुक नेम इज़ माइलस्टोन इंग्लिश कोर्स बुक. द चैप्टर नंबर इज 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन टेमिंग ऑफ एवरेस्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी, एक ऑटोबायोग्राफी है एक माउंटेन क्लाइंबर की, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये बोला है कि कैसे हम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेमिंग. टेमिंग ऑफ एवरेस्ट मीन्स होता है कैसे उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपने आप को अनुकूल बनाया, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए, एवरेस्ट तक जाने के लिए, क्योंकि वो इतनी हाइट है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सांस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. तो क्या क्या परेशानियाँ उन्होंने फेस की, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, वो सारा उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स बिगिन. इफ़ गिवन अ चॉइस, वो कहते हैं अगर आपको एक चॉइस दी जाए, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, तो आप अपनी समर हॉलीडेज कैसे स्पेंड करना चाहेंगे. हाइकिंग एंड क्लाइंबिंग टू अ माउंटेन टॉप विद अ ब्यूटीफुल व्यू. वो कह रहे हैं क्या आपको पसंद है कि आप एक लंबी पैदल या, हाइकिंग मीन्स होता है लंबी पैदल यात्रा पर जाना, क्लाइंबिंग मीन्स एज यू नो वेल चढ़ाई करना कहीं पर, टू द माउंटेन टॉप, क्या आप चढ़ना चाहेंगे किसी माउंटेन तक, विद अ ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ का व्यूज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, नो पॉल्यूशन, नो शॉप और रेस्टोरेंट्स, एंड यू गेट अ गुड एक्सरसाइज इन द बार्गेन. तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई शॉप नहीं है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं वहाँ पे, और रोमिंग अराउंड इन अ शॉपिंग मॉल, या फिर आप घूम सकते हैं वहाँ शॉपिंग मॉल में, बाइंग क्लोथ्स ऑन सेल एंड ईटिंग जंक फूड. तो क्या वो कहते हैं कि एंड क्या आपको लगता है कि आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ना हो, कोई पोल्यूशन ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, आपको शॉपिंग मॉल में घूमने को मिले, ठीक है, ना हो वहाँ पे, और या आप कपड़े ख़रीद पाएँ सेल, या जंक फूड ना हो, इस तरीके की जो जगह है. तो वो कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसी जगह पर अगर भेज दिया जाए तो वुड यू लाइक इट, क्या आप इसको पसंद करेंगे. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन सेज दैट, यहाँ पर आपको रीडिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन देखना है. लेट्स रीड. एडमंड हिलेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट अलॉन्ग द तेंजिंग नॉर्गे. वो कहते हैं कि एडमंड हिलेरी जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पे, जो इनके फ्रेंड थे तेंजिंग नॉर्गे, उनके साथ में ये वहाँ पीक तक पहुँचे थे. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड फाइंड आउट हाउ दे रीच डिड इट. वो कहने आप इस एक्सट्रैक्ट को, जो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पर दिया गया है, उससे आप इसको पढ़िए और उससे समझिए कि कैसे उन्होंने ये, उनके लिए ये पॉसिबल हो पाया. हाउ डिड दे डू इट. दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट. वो ये स्टोरी जो है वो कहाँ से ली गई है, एसेंट, ये एक स्टोरी का एक शॉर्ट पार्ट है, जो कि जो मेन स्टोरी जो है वो नाम, नेम है उसका एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, मीन्स माउंट पर, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर, ऊपर चढ़ना. एज टोल्ड बाई शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, इनका जो फुल नेम था वो था शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, जिन्होंने ये स्टोरी बताई है. द एक्सपीडिशन हैज़ कम वेरी नियर टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. वो कह रहे हैं हमारी जो यात्रा थी जिस पर हम निकले हुए थे ये साहसिक कार्य पे, जिस साहसिक कार्य पे, वो बिल्कुल हम उस माउंट पे पहुंचने ही वाले थे. वहाँ का इन्होंने कुछ क्षण यहाँ पर शेयर किए हैं. इट इज़ द टाइम फॉर तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी टू मेक देयर अटेम्प्ट टू अटैम्प्ट ऑन द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट. वो कह रहे हैं कि ये मेरा और जो मेरे साथी थे एडमंड हिलेरी, उनका पहला, ये जो लगभग आखिरी अटैम्प्ट था, वह बिल्कुल हम, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंच चुके थे, मतलब उसकी चोटी पर पहुंच चुके थे. पीक मीन्स होता है बिल्कुल टॉप एरिया, कि अब हम लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे बस. ये उस समय की कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर शेयर की हैं. एट 6:30 लगभग टाइम हो रहा था, 6:30 का, When we crawled out of the tent, वो कह रहे हैं crawled out means हमने टेंट बना के जहाँ हम लोग रुके हुए थे, crawled out means होता है वैसे रेंग कर बहाना ना, लेकिन हम यहाँ पर इन्होंने crawled बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है. बोले हम लोग धीरे से अपने टेंट से बाहर आए. It was still clear and windless. वो कह रहे हैं बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ हो रहा था और वहाँ पर कोई हवा नहीं थी उस समय, चल नहीं रही थी, ठीक है, विंडलेस था एरिया. वी हैड पुल्ड 3 पेयर ऑफ ग्लव्स ऑन टू आर हैंड्स, सिल्क वूल एंड विंड प्रूफ. बोले हमने अपने हाथों में
ग्लव्स पहने, क्योंकि वहाँ ऊपर जितनी ही हाइट पे आप पहुँचते जाते हो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एकदम ठंडा होता चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने सिल्क के, वूल के और विंड प्रूफ जो है ग्लव्स पहन लिए थे, एंड नाउ वी फास्टेंड अवर क्रैम्पन्स। वो कह रहे हैं कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रैम्पन्स, क्रैम्पन्स मीन्स होता है क्लास एज यू कैन सी हेयर स्पाइक्ड आयरन प्लेट्स फॉर शूज़ टू बी एबल टू क्लाइम माउंटेन। उनके शूज़ में कुछ चीज़ें ऐसी अटैच करते हैं वो, जिससे मतलब एक अच्छी पकड़ बनी रहे, ग्रिप बनी रहे उनकी माउंटेन पे जब वो चढ़ते हैं, तो उसको क्रैम्पन्स बोलते हैं, ठीक। तो आयरन प्लेट्स होती हैं कुछ जो अपने बूट्स में उन्होंने अटैच की। ऑन टू आर बैक, हमारी पीठ पर, वो कहते हैं वी स्लंग अ 40 pound ऑफ ऑक्सीजन apparatus दैट वुड बी द होल लोड फॉर ईच ऑफ अस ड्यूरिंग द क्लाइम। तो वो ये कहते हैं कि और उसके बाद ये इतना करने के बाद हमारे पास 40 pound वेट का लगभग एक ऑक्सीजन का इक्विपमेंट बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। जितनी भी ज़्यादा हाइट पर आप जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ह्यूमन बींग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो यू कांट सर्वाइव, आप जीवित नहीं रह सकते, आप सांस ले नहीं सक पाओगे। इसलिए तो वो कह रहे हैं हमें अपने साथ में वो जो ऑक्सीजन का जो इक्विपमेंट था, जिसको यहाँ पे एपरेटस बोला गया है, उसको हमें पूरे टाइम अपने साथ रखना था ड्यूरिंग दिस क्लाइम, क्योंकि ये जो लोड था वो हमें लेकर ही चलना था अपनी पीठ पर, वरना हम ऊपर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद उन्होंने कहा ऑलरेडी, हम लोगों ने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा क्या सब कुछ ठीक है, अच्छा रेडी, ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बात की कि हाँ जी सब कुछ रेडी है, एक्सेप्टेंस दे दिया उन्होंने। वी वेंट अप फ्रॉम द कैंप साइट टू द साउथ ईस्ट रिज। वो कहते हैं हम अपने वहाँ से चले, कहाँ से, अपना जो हमारा कैंप साइट था, जो हमारे जहाँ हम रुके हुए थे, वहाँ से हम लोग साउथ ईस्ट की तरफ चले। रिज मीन्स होता है क्लास अ लॉन्ग नैरो माउंटेन रेंज, एक पतली सी लंबी जो माउंटेन, स्टार्ट जब हमने अपने कैंप साइट से किया तो साउथ ईस्ट रिज यानी कि एक जो लॉन्ग नैरो माउंटेन रेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं पतली सी सकरी सी बहुत महीन पतली सी रेंज होती है, रेंज का मतलब पर्वत श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं वो, ठीक है। लेकिन वो बहुत नैरो, वहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है चढ़ने के लिए जाने के लिए। एंड देन अलोंग द रिज टुवर्ड द साउथ समिट, समिट मीन्स होता है क्लास द टॉपेस्ट एरिया, मतलब बिल्कुल टॉप प्लेस, जो बिल्कुल आप जैसे ये आपका माउंटेन है तो ये जो हिस्सा होता है इट इज़ कॉल्ड समिट या फिर पीक। पीक द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द हिल ऑफ अ और अ माउंटेन, किसी भी हिल पहाड़ी या माउंटेन का जो टॉप एरिया होता है बिल्कुल, उसको हम समिट बोलते हैं। तो वगैरह फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ने लगे अपने साउथ समिट की तरफ, जो साउथ एरिया साउथ से जो पहाड़ी की बिल्कुल टॉप प्लेस था वहाँ उधर की तरफ हम लोगों ने मूव ऑन कर दिया। आफ्टर दैट ही सेज दैट जस्ट बिलो द साउथ समिट, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक नीचे, साउथ समिट के बिल्कुल नीचे ही हम पहुँचे थे, और द रिज ब्रॉडेंड आउट इन टू द शॉर्ट ऑफ स्नो फेस, वो कह रहे हैं और वो फिर वो जो रिज थी, जो पहाड़ी थी, जो बहुत पतली हमें देखने में स्टार्टिंग में लग रही थी, वो धीरे धीरे ब्रॉडेंड होने, ब्रॉडेंड मीन्स होता है चौड़ा होने पनाने लगा उसमें, मतलब कहीं पर वो बहुत पतली थी तो कहीं बहुत थोड़ी चौड़ी इस तरीके से, मतलब स्पेस हो गया कहीं इस तरीके से, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे जब हम उसकी तरफ बढ़े तो वो ब्रॉडेंड होने लगी, ठीक। ब्रॉडेंड होने के बाद वो कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसे दिखने लगी जैसे हमारे सामने एक स्नो फेस आ गया हो, बिल्कुल सामने बर्फी बर्फ का चेहरा सामने दिख रहा था हमें। सो दैट वी वर क्लाइंबिंग अप ऑन ऑलमोस्ट वर्टिकल वाइट वॉल, और हमें लगभग ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल सीधी खड़ी एक वर्टिकल मींस एकदम स्ट्रेट जो होती है लाइन, उस पर खड़ी पहाड़ी पर सफ़ेद दीवार पर हम लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर वो पूरी स्नो कवर्ड थी, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा था जैसे हम सीधी सीधी किसी वर्टिकल वाइट वॉल पर दीवार पर चढ़ रहे हैं। द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, वो कहते हैं कि इसका जो सबसे ही बुरा इस यात्रा में जो हिस्सा रहा वो क्या था, वर्स्ट पार्ट ऑफ इट वॉज दैट द स्नो वॉज नॉट फर्म, कि स्नो जो होती है, बर्फ जो होती है वो फर्म नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती, अगर आपने थोड़ा सा भी उस पर ठोकर लगी तो वो फिसल जाती है, क्रैक होती है, टूट के नीचे गिरती है। इट वॉज एक्सट्रीमली स्लिपरी, वो बहुत एक तो फिसलने वाली होती है, तुरंत पैर फिसलता है आपका, बिकॉज ऑफ विच वी केप्ट स्लाइडिंग डाउन, जिसकी वजह से हम नीचे फिसल, जैसे फिसलन सी होती है वो हम महसूस कर रहे थे, लगातार ऐसा लग रहा था कि हम धीरे धीरे कोशिश ऊपर चढ़ने की कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पैर जो हैं वो फिक्स नहीं हो पा रहे थे, फिसल रहे थे। आई थॉट नेक्स्ट टाइम इट स्लाइड्स वी विल गो डाउन विद इट ऑल द वे टू द बॉटम ऑफ द माउंटेन, वो कह रहे हैं और मेरे दिमाग में उस समय बस नेक्स्ट अगला यही विचार आ रहा था कि अगर ये एक बार और ये स्लाइड हुई, अगर स्लिप हुए हम यहाँ से, तो हम सीधे माउंटेन के बिल्कुल बॉटम मीन्स होता है बिल्कुल तली,
ठीक है, बिल्कुल ज़मीन पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने इतनी मेहनत करके हम ऊपर तक आए हैं। समिट का क्लास एक चीज़ यहां पर नोटिस कर लीजिएगा, समिट का जस्ट अपोजिट होता है बॉटम। ठीक है, जो आपका पीक होता है समिट का, वो बिल्कुल आप बॉटम यानी कि एक सबसे ऊंचाई समिट, और जो सबका सबसे लोअर पार्ट होता है ये होता है आपका बॉटम। ठीक, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। फॉर मी, क्योंकि वो कहते हैं मेरे लिए दिस वॉज द वन ओनली बैड प्लेस इन द एंटायर क्लाइंब। वो कह रहे हैं मेरे लिए सब पूरी इस चढ़ाई में जितने टाइम भी हमने माउंटेन पर चढ़ने में लगाया, उनमें सबसे बुरा समय यही था जब मैं इस एरिया में आया, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली द मैटर ऑफ वॉट यू योर सेल्फ डिड। वो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल वो नहीं था कि हम खुद क्या कर रहे हैं, बट ऑल्सो वॉज द स्नो अंडर यू डिड। वो कह रहे हैं कि बल्कि आप स्नो के अंडर में थे, क्योंकि स्नो कुछ भी कर सकती थी आपके साथ, अगर वो स्टिल बनी रही तो आप आराम से चढ़ जाएंगे पैर रख के, लेकिन अगर उसने वहाँ पर आपका सपोर्ट नहीं किया, वो अगर हल्की सी भी स्लाइडिंग वहाँ पर हुई तो आप बहुत बुरी तरह से मतलब हो सकता है आपकी लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस हो, और बिल्कुल स्लिप हो सकते हैं आप बुरी तरह से वहाँ से। एंड इट दिस यू कुड नॉट कंट्रोल, और जिस जो कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं, आप वहाँ पे अपने आप को जब एक ऊँची पढ़ाई सीधी पहाड़ी पर आप हों, तो अगर आप एक बार स्लिप हुए तो आप गिरना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा आपके। तो वो कहते हैं कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस, क्योंकि ये हमारे अब तक के जितने भी प्लेसेस हमारे रास्ते में आए थे उनमें से सबसे खतरनाक जगह मुझे यही लग रही थी। आई हैड एवर बीन ऑन अ माउंटेन, जो कि इस पूरी पर्वत पे पूरे पर्वत की चढ़ाई के दौरान मैंने कहीं भी देखी हो, तो सबसे खतरनाक मुझे यही जगह लग रही थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ थी, जहाँ पर हमारे पैर नहीं टिक रहे थे, और फिर भी हमें ऊपर जाना था, और वो भी बिल्कुल वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट पहाड़ी थी, वो बिल्कुल खड़ी पहाड़ी हमें लग रही थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एरिया था वो। तो ऐसे में पैरों को रोक पाना, कंट्रोल करना खुद को, और स्नो स्लाइडिंग को रोकना आउट कंट्रोल हो रहा था, बट स्टिल वी हैव कंटिन्यू। एट 9 o'clock वी वर ऑन द साउथ समिट। वो कह रहे हैं ठीक 9 बजे हम लोग जो है वो साउथ समिट पर धीरे धीरे इसी तरीके से पहुंच गए। फाइनली हम वहां पर 9 बजे जो दक्षिण का जो सबसे ऊंचा एरिया था वहां उस साइड हम पहुंच चुके थे। देयर वॉज नो नॉट मच फार्दर टू गो, ओनली अबाउट 300 feet टू ऑफ द रिज। वो कह रहे हैं कि उस पहाड़ी पे जो जो पतली सी वो पहाड़ी थी उस पे हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, सिर्फ हम लगभग 300 feet की दूरी पर रह गए थे कि हम जहाँ पे हमें जहाँ तक हमें जाना था वहाँ से। बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट 300 feet, लेकिन ये हमारी लाइफ के सबसे मुश्किल 300 feet होने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई मतलब कंट्रोलेबल कंडीशन नहीं है, यहाँ कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था, वहाँ पे जो भी रोल प्ले कर रहा था वो सिर्फ स्नो प्ले कर रही थी। ठीक है, वो जैसे चाहे हम बस सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते थे, तो यहाँ कुछ भी हमारे सब ऑल द कंडीशन वॉज अनकंट्रोलेबल, कुछ भी हमारे हाथों में नहीं था। इफ़ वी वर टू गो गेट टू द टॉप, अगर वो कहते हैं हम टॉप पर पहुँच जाते हैं, इट वुड हैव टू बी अलॉन्ग अ नैरो ट्विस्टेड लाइन बिटवीन पेरिसिपीज एंड कॉर्निसेस, नेवर टू फार टू लेफ्ट, नेवर टू फार टू राइट, एंड इफ वी डेविएटेड इवन अ बिट इट वुड स्पेल द एंड ऑफ अस। वो कहता है कि हम वहाँ पर कोशिश तो कर रहे थे कि हम हल्का सा ट्विस्ट ले लें, थोड़ा सा कहीं से मुड़ के निकल जाएँ वहाँ से, मतलब वो एरिया हमारा छूट जाए, जिससे हमारा ये जो देखो यहाँ पे क्लास आपके टू मीनिंग्स आए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहले ये जो आपका पेरिसिपाइस है, इसका मीनिंग होता है अ वेरी स्टीप, एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी जो होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल टंगे हुए हैं कहीं हवा में, ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट जो पहाड़ी होती है ये होती है पेरिसिपाइस। और जो आपकी सेकंड है आपकी कॉर्नाइज आपकी जो वो होती हैं ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं जो आपकी किससे कवर्ड होती हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अ मास ऑफ स्नो और राइस और आइस प्रोजेक्टिंग ओवर अ माउंटेन रिज। प्रोजेक्टिंग मीन्स होता है जैसे ये देखा है आपने माउंटेन ऐसे आगे को निकली हुई, फिर ये इस तरीके की, ये जो मतलब नुकीला नुकीला सा बर्फ़ का एरिया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिंग एरिया। तो ये इस तरीके की जो स्नो या आइस की जो पहाड़ियाँ थी, ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक तो पेरिसिपाइस नुकीली और मतलब जो बिल्कुल स्टीप खड़ी हुई पहाड़ियाँ थी, और एक जो कुछ ऐसे पहाड़ियाँ थी वहाँ पर रास्ते में जो बर्फ के ऐसे प्रोजेक्शन से बने हुए थे जिनमें ठीक तीखापन होता है जिसमें, वहाँ पर वो कहते हैं। तो हमें यही लग रहा था कि अगर हम इन जगहों पे थोड़ा भी हमने ट्विस्टेड किया, ट्विस्ट हुए हम, तो ना तो
ना ही हम लेफ्ट हो सकते थे ना ही राइट, हम बहुत ज़्यादा नहीं थे। और अगर हम थोड़ा सा भी डेविएटेड, डेविएटेड मीन्स होता है मतलब अपना रास्ता चेंज करना, विचलित होना, अगर इधर उधर हम ज़रा सा भी हुए तो हमें, मुझे अच्छी तरह पता था कि ये इट वुड स्पेल द एंड ऑफ अस। वो कह रहे हैं यहाँ पे हमें अच्छा अच्छी तरह पता था कि यहीं हमारी लाइफ जो है वो एंड हो जाएगी। हम बहुत बड़े खतरे में उस समय थे और वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वी कॉन्ट टेक एनी मूव विदाउट थिंकिंग अबाउट, ठीक है, हम बिना कुछ सोचे समझे एक मूव, एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे वहाँ पे, कि कुछ भी हो सकता था। एवरीथिंग ऑल राइट, अच्छा ऑल राइट, तो यहाँ पर ही उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात की, वो एक दूसरे से कि क्या सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने बोला यस, हाँ ओके है। अभी एक दूसरे को दोनों लोग सिंपैथाइज करते चल रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक दूसरे को। फ्रॉम द साउथ समिट, वो कह रहे हैं साउथ समिट तक हम जब पहुँचे वहाँ से, वी फर्स्ट हैड टू गो डाउन अ लिटिल, वो कह रहे हैं जब हम साउथ समिट से पहुँचे तो वहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे उतरना था, उसके बाद देन अप अप एंड अप, वो फिर कह रहे हैं उसके बाद हमें बस ऊपर की तरफ चढ़ना था, क्योंकि पहाड़ियों पे भी आपने देखा ना कहीं उतार चढ़ाव से होते हैं तो उनके अलग ही शेप होते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन साउथ समिट पे पहुँचने के बाद हमें हल्का सा नीचे की तरफ उतरना था और उसके बाद फिर हमारी चढ़ाई शुरू होनी थी। ऑल द टाइम द डेंजर वॉज दैट द स्नो वुड स्लिप, वो कह रहे हैं हमारे दिमाग में जो हर समय एक लगातार एक खतरा बना हुआ था वो ये था कि जो स्नो है वो स्लिप ना कर जाए, और दैट वी वुड गेट टू फार आउट ऑन अ कॉर्नाइज दैट वुड देन ब्रेक अवे, वो कह रहे हैं कि और हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो उस कॉर्नाइज से, ये जो बर्फीली जो पहाड़ी थी उससे हम कहीं और ज़्यादा वो टूट जाएं और हम कहीं बहुत दूर ना चले जाएं वहाँ से, ठीक है। वी मूव्ड जस्ट वन एट अ टाइम, वो कह रहे हैं हम सिर्फ एक एक कदम बढ़ा रहे थे अपना, स्लोली टेकिंग टर्न्स एट गुड गोइंग अहेड, आगे बढ़ने के लिए हम हल्के हल्के टर्न कर रहे थे और एक एक स्टेप बहुत संभाल के धीरे धीरे रख रहे थे। वाइल द सेकेंड वन रैप्ड द रोप राउंड हिज एक्स एंड फिक्स्ड द एक्स इन द स्नो एज एन एंकर, वो कह रहे हैं कि और हमारा जो दूसरा था, हम दो लोग थे तो हम में से एक जो है वो धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ा रहा था और दूसरा जो था उसने पूरे उसको जो हमारे पास एक्स थे, ठीक है, उसको हमने उसने पूरे रस्सी से उसको राउंड करके उसमें लपेट रखा था और उसने उसको उस स्नो में, उस बर्फ में बिल्कुल एंकर की तरह, जैसे एक कांटा फंसाते हैं ना वैसे उसने उसको उसमें फिक्स कर रखा था, ताकि अगर 1% को हम कहीं से स्लिप होते हैं तो एक बार को उस रस्सी से, उस रोप के सहारे हम लटक सकें कहीं नहीं, वरना अगर हम एक बार पूरा फिसलना शुरू हुए तो हम रोक नहीं पाएगा कोई हमें और हम सीधे माउंटेन के बॉटम में आकर गिरेंगे। तो इसलिए हमने वो एंकर, वो कांटा जैसा बना रखा था उस रोप से, अपनी उस एक्स से, ठीक है, उसको फिक्स कर रखा था स्नोई पार्ट में। वो कहते हैं दे द वेदर वॉज स्टिल फाइन, मौसम वहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा था, वी वर नॉट टू टायर्ड, हम लोग बहुत ज़्यादा थके भी नहीं थे क्योंकि हम अभी थोड़ा सा रेस्ट करके अपने कैंप से निकले थे। बट इवन सो ऑफन एज हैड हैपेंड ऑल द वे वी वुड हैव ट्रबल ब्रीदिंग, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे और सब तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन वहाँ पे बीच बीच में जो है वो हम लोग महसूस कर रहे थे वो था कि हमें ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, एंड हैव टू स्टॉप एंड क्लियर अवे द आइस दैट केप्ट फॉर्मिंग इन द ट्यूब्स ऑफ आर ऑक्सीजन सेट्स, वो कह रहे हैं और हमें बीच में रुक कर अपने जो हमारे जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जा चल रहे थे उसके पाइप्स में जो आइस भर जा रही थी उसको हमें बार बार क्लियर निकालना पड़ रहा था, साफ करना पड़ रहा था, वरना हमें, क्योंकि उस जब तक वो पाइप ओपन नहीं होंगे हमारे मुंह तक, हमारी हमें सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन हम तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए बीच बीच में रुक के हमें उस पाइप को साफ़ करना पड़ रहा था अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का, अदरवाइज़ हम ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होने लग रही थी। तो बस हमें ये दिक्कत वहाँ पर थोड़ी सी हम फेस कर रहे थे। एट लास्ट वी केम टू द लास्ट बिग ऑब्स्टिकल, वो कह रहे हैं फिर जब हम और आगे बढ़े तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी और आखिरी मुसीबत, जो परेशानी हम कह सकते हैं, बाधा जो थी वो अब हमारे सामने थी, बिलो द टॉप, बिल्कुल उस ठीक उस टॉप के नीचे जहाँ तक हमें पहुँचना था। दिस वॉज अ क्लिफ ऑफ रॉक राइजिंग स्ट्रेट, वो कह रहे हैं ये जो थी एक चट्टानी पहाड़ थी हमारे सामने जो कि बिल्कुल सीधी थी, ऐसी कुछ पहाड़ियाँ होती हैं ऐसी होती हैं आपने देखा होगा थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होती हैं, उनमें थोड़ा सा लचीलापन होता है, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं ऐसे, ये तो इस तरीके की पहाड़ी हमारे बिल्कुल सामने थी। सोचो आप जो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है उस पर चढ़ना कितना मुश्किल है, जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है उस पर तो आप चढ़ जाओगे आराम से, स्लोप जैसा मिल जाएगा आपको, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे, इन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वही वो कहता है कि यहाँ पर एक रॉकिंग मतलब रॉक आ रही थी, क्लिफ आ रही थी, एक ऐसी पहाड़ चट्टान जिसपे
स्ट्रेट थी जो बिल्कुल चढ़ना मुश्किल लगता था हमें, अप आउट ऑफ द रिज एंड ब्लॉकिंग इट ऑफ इट नाउ इट वॉज अप, वो कह रहे हैं कि जो कि जिसने कि हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया था, हमें उस पर चढ़ना ही था, हम किसी भी तरीके से उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, हमें उसे भी पार करना ही करना था। अब एक चैलेंज इनके सामने इस समय और आ गया था। क्वेश्चन ऑफ हाउ टू गेट और आउट और गेट ओवर और अराउंड, वो कह रहे हैं बस हमारे सामने ये क्वेश्चन था कि कैसे भी ना कैसे हमें इससे गेट ओवर और अराउंड यानी कि इसको पार करना ही करना है। वी कुड फाइंड ओनली वन पॉसिबल वे, हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा था। दिस वॉज अ लॉन्ग अ स्टीप नैरो गैप बिटवीन वन साइड ऑफ द रॉक, वो कह रहे हैं हमने देखा कि उस रॉक के साइड से एक पतला सा गैप बना हुआ था, एक नुकीला सा जो उस वो पहाड़ी थी उसके साइड से एक हल्का सा गैप था। एंड द इनर साइड ऑफ द ऑफ एन एडजॉइनिंग कॉर्नाइज, वो कह रहे हैं और उसका जो अंदरूनी हिस्सा था वो किससे, इनर पार्ट जो है वो एडजॉइनिंग मीन्स होता है जुड़ा होना, एक कॉर्नाइज एक बर्फीली पहाड़ी से जुड़ा हुआ था। कॉर्नाइज वही थी मैंने बताया था जो बर्फ के जो इस तरीके की जो पहाड़ियाँ होती हैं बर्फीली, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्शन सा होता है। तो वो कहते हैं कि हम उस कॉर्नाइज से वो जुड़ी हुई दिख रही थी हमें साइड से, कि वो हल्का सा हमें एक स्पेस मिल रहा था। एंड हिलेरी नाउ गोइंग फर्स्ट वर्कड हिज वे अप, और हिलेरी ने जो हमारे साथ इनके साथ जो इनके फ्रेंड थे वो उन्होंने वो बोले कि उन्होंने पहले आगे बढ़ना शुरू किया, स्लोली एंड केयरफुली टू अ शॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म अबव, बोले उन्होंने बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया और उन्होंने एक जगह जाके उनको ऊपर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मतलब पहाड़ी पर कहीं वो ऐसे जब चढ़े तो उन्हें हल्का सा ऐसा एरिया मिला जहाँ वो खड़े हो सकते थे प्लेटफॉर्म जैसा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर चढ़ने के बाद उन्होंने बोला वहाँ पर देर वॉज ग्रेट डेंजर ऑफ द आइस गिविंग वे, बोले ये बहुत डेंजरस था खतरनाक था हमारे लिए कि हम आइस में से अपना रास्ता बना रहे थे, बट लकीली इट डिड नॉट, वो कह रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे साथ कुछ भी डेंजरस नहीं हुआ और हम सेफली वहाँ से निकल आए। हिलेरी गॉट अप सेफली टू द टॉप ऑफ द रॉक, हिलेरी जो है बहुत मतलब सुरक्षा के साथ सेफली सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंच गए थे। एंड देन हेल्ड द रोप वाइल आई केम आफ्टर, और फिर उन्होंने जाके ऊपर जो है वो रोप उन्होंने कस के पकड़ ली, फिर धीरे धीरे मैं भी पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया उस प्लेटफॉर्म तक। ऑन द टॉप ऑफ द रॉक क्लिफ, वो कह रहे उस क्लिफ के टॉप पर जब हम पहुंच गए वी रेस्टेड अगेन, हमने दोबारा से हल्का सा आराम लिया किया वहाँ पे। देन वी वर ऑन अवर वे, और फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। रिज वॉज नॉट लेस स्टीप नाउ लेस स्लीप, वो स्टीप यानी कि वो कहते हैं कि जो अब रिज जिस पे हम जिस नैरो माउंटेन पे क्लिफ पे हम चढ़ रहे थे वो अब उतनी ज़्यादा मतलब नुकीली नहीं रह गई थी, अब वो थोड़ी सी जैसे हम जहाँ तक अभी तक हम वो थोड़ी सी यूँ हो गई थी, स्लोपिंग स्लोपली हो गई थी, मतलब पहले इस टाइप में थी और फिर वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप मीन्स होता है क्लास खड़ी पहाड़ी जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा इट वॉज ओनली अ रो ऑफ स्नोई हम्प्स, लेकिन अब वो कह रहे थे अब खाली बीच बीच में हमारे कह रहे थे ऐसे जो हम्प्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे पहाड़ से बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैमल की पीठ पे होते हैं इसको हम्प्स बोलते हैं, तो स्नो के छोटे छोटे हम्प्स बने हुए आ रहे थे हमारे रास्ते में। वन बियॉन्ड द इधर वन हायर देन द अदर, वो कह रहे हैं कभी कोई छोटा कोई बड़ा, कोई एक दूसरे से कोई छोटा था बड़ा था, लेकिन हमारे रास्ते में इस तरीके के बर्फ़ के छोटे छोटे पहाड़ जैसे टीले जैसे आप कह सकते हो वो आ रहे थे। फाइनली वो कहते हैं फाइनली वी रीच्ड अ प्लेस वेयर वी कुड सी पास्ट द हम, वो कह रहे हैं हम एक ऐसी जगह तक पहुँच चुके थे जहाँ से हमने देखा कि चलो उन हम्स को स्नो हम्स को भी हम पार कर चुके हैं, पास्ट मीन्स वो गुजर चुके हैं। बियॉन्ड देम वॉज द ग्रेट ओपन स्काई एंड ब्राउन प्लेन्स, बोले जब हम वहाँ ऊपर पहुँचे और हमने देखा तो हमारे ऊपर एक खुला आसमान हमें साफ दिख रहा था और नीचे जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वो हमें ब्राउन कलर के प्लेन्स मैदान दिखाई दे रहे थे। वी वर लुकिंग डाउन, हमने नीचे देखा द फार साइड ऑफ माउंटेन अपॉन तिब्बत, वो कह रहे हैं एक दूर से हमें माउंटेन की उस ऊंचाई से हमें तिब्बत कहीं बहुत दूर दिख रहा था साइड में, ठीक है। अहेड ऑफ अस नाउ वॉज ओनली वन मोर हम द लास्ट वन, वो कह रहे और अब हम जहाँ पर खड़े थे उस समय उसके बाद सिर्फ एक हम जो बर्फ का जो वो टीला था वो बस लास्ट एक और आने वाला था। अ लिटिल बिलो द समिट, वो रहे जब हम बिल्कुल उस पीक से यानी कि उस टॉप से हम जब थोड़ा ही नीचे थे, हिलेरी एंड आई स्टॉप्ड, हम मैं और हिलेरी थोड़ा सा रुके, वी लुकड अप, हमने ऊपर की तरफ देखा, एंड देन वी वेंट ऑन, और हम फिर हमने चलना शुरू कर दिया। वी स्टेप्ड अप, और हमने अपने कदम फाइनली वहाँ रख दिए। वी वर देयर, हम वहाँ पहुँच चुके थे। द ड्रीम कम हैड कम ट्रू, और हमारा जो सपना था वो एक
हमें ऐसा लग रहा था जो हमारा सपना था वो साकार हो चुका था, हम फाइनली माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच चुके थे। इन सारी प्रॉब्लम्स के को फेस करते हुए, स्लिपरी हमारी लाइफ को भी खतरा था, हमने ब्रीदिंग में भी हमें प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं से भी हम फिसल सकते थे, गिर सकते थे, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की भी परवाह किए बिना हमें सिर्फ ऊपर और ऊपर, हमने कहीं भी गिव अप नहीं किया, हमने कहीं भी हार नहीं मानी और हम फाइनली अपने सपने को साकार करने में सफल हुए। ठीक है, तो ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो एडेप्टेशन है, ये जो आपका चैप्टर लिया गया, एक शॉर्ट पार्ट है एडेप्टेशन फ्रॉम द मैन ऑफ एवरेस्ट, जिनका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, ये जो एक पर्सन थे आपके, वो इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे थे, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में भी इनका नेम मिल चुका है, स्टार्टिंग में ही जैसा कि आपको बताया गया था कि दो कैरेक्टर आपको दिखाए गए हैं, कौन जो फर्स्ट जो थे आपके एडमंड हिलेरी, जो इनके फ्रेंड थे जिनके साथ इन्होंने अपनी ये यात्रा की थी, और ये सेकंड पर्सन थे शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, ये दो लोग जो हैं वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी है, जिससे ये छोटा सा पार्ट आपके लिए कलेक्ट किया गया है एज अ स्टोरी ऑफ एंड चैप्टर सिक्स। ठीक है, इन क्लास फिफ्थ द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेमिंग ऑफ एवरेस्ट। आई होप क्लास यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।